बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं कानपुर कांड पर। बहुत बड़ी खबर मिल रही है, विकास के एक साथी प्रभात को मार गिराया गया है। प्रभात, आपको याद होगा कल पूरे दिन भर एबीपी गंगा ने आपको खबर दिखाई थी और सुबह से आपको एबीपी गंगा ने अपडेट किया था और यह जानकारी दी थी प्रभात मिश्रा, इसको प्रभात को कल पकड़ा गया था फरीदाबाद से। फरीदाबाद में प्रभात विकास दुबे के साथ था, विकास दुबे ने प्रभात को अलग किया, विकास दुबे अलग राह पर चला, प्रभात अलग। प्रभात के साथ कुल 3 गिरफ्तारियां कल हुई थी, उसमें प्रभात जो कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड में शामिल था, इस गोलीकांड में शामिल था, उसका साथी हर वक्त अमर दुबे और प्रभात मिश्रा साय के साथ रहते थे, विकास दुबे के साथ। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, प्रभात मिश्रा मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने प्रभात मिश्रा को मार गिराया, लेकिन लेकिन इसमें एक पेच या अभी भी एक सवाल है। सवाल यह है कि पकड़ा गया था, कब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो फिर अपराधी ढेर कैसे हुआ, एनकाउंटर कैसे हुआ, एनकाउंटर की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद एनकाउंटर, ये कहीं ना कहीं सवाल। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, यही सवाल, कैसे मारा गया जबकि पुलिस हिरासत में गिरफ्त में था? बिल्कुल यही एक सवाल है, लेकिन अभी यूपीएससी अपने कानपुर के खनसी इलाके में जो कल फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था प्रभात मिश्रा, विकास दुबे का जो बेहद करीबी था, उसको एनकाउंटर में घेर किया गया है और यूपीएससीएफ की टीम ने इसको घेर किया है कानपुर के खनसी इलाके में। बताया जा रहा कि ये जब इसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, तब ये इसमें भागने की कोशिश की और उसके बाद ये एनकाउंटर में प्रभात मिश्रा को घेर कर दिया गया है। संतोष, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताएं कि कानपुर के किस इलाके में मारा गया है, क्या ये कस्टडी में था उस वक्त या इसको कहीं लेकर जाया जा रहा था, कहां पर एग्जैक्टली ये मुठभेड़ हुई है, ये एनकाउंटर हुआ है? बताया जा रहा है कि कानपुर के पंची इलाके में प्रभात मिश्रा को कल जब फरीदाबाद से यहाँ कानपुर लाया गया, क्योंकि पूछताछ में आया था कि शिवली गांव में 2 दिन तक विकास दुबे और प्रभात मिश्रा रुके थे, तो उसी घर की शिनाख्त के लिए फरीदाबाद से इसको लाया गया था और रास्ते में बताया जा रहा कि इसने भागने का प्रयास किया और उसके बाद यूपीएससी जो टीम लेकर के आ रही थी उसने एनकाउंटर के बाद इसको घेर किया है। ये कानपुर के पंची इलाके में ये मुठभेड़ की बात बताई जा रही है। लेकिन संतोष, ये बड़ी घटना और बड़ी खबर इसलिए भी है, इसका मारा जाना अभी इस वक्त में ये मारा गया, कहीं ना कहीं बहुत सारे इनपुट दे सकता था उस घटना से जुड़े हुए और विकास से जुड़े हुए, क्योंकि ये फरीदाबाद में विकास के साथ था। वैसे में संतोष, इसका मारा जाना, बहुत सारी चीजें छूट सकती है, बहुत सारी चीजें जो आपको पता इसके जरिए लग सकती थी वो नहीं लगेंगी अब? देखिए बिल्कुल, जैसे लाजमी से सवाल है कि प्रभात मिश्रा बहुत सारी चीजों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए था, लेकिन उससे बड़ा सवाल इस बात का है कि यूपीएससीएफ की हिरासत से उसने कैसे भागने की कोशिश की। अगर वो यूपीएससीएफ उसको ट्रांसफर रिमांड, क्योंकि कल फरीदाबाद से उसको गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद पुलिस में, उसके बाद ट्रांसफर रिमांड पर उसको यहाँ लाया जा रहा था, यानी कि प्रभात मिश्रा वहाँ से यूपीएससीएफ के जो कमांडो टीम थी, जो यूपीएससीएफ की टीम थी, उसको चक्का दे करके उससे मुठभेड़ करके फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, उसी के बाद प्रभात मिश्रा को एनकाउंटर में घेर किया गया। ये पूरा सवाल अभी सवालों के घेरे में यूपीएससीएफ और ये मुठभेड़ ला सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससीएफ बिल्कुल बिल्कुल संतोष, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां शायद अभी एसटीएफ दे भी कुछ देर के बाद। लेकिन संतोष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कल जब फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ था, क्या उसके तत्काल बाद उसको कानपुर लाया गया था, कानपुर में क्या उसको लेकर कितनी देर वो कानपुर में रुका था और उसके बाद क्या किया जा रहा था उसके साथ, कहां उसको ले जाया जा रहा था, कि उसने भागने की कोशिश की, भागने का प्रयास किया, वो भी इतनी फोर्स के बीच में? देखिए फरीदाबाद से जब उसको ट्रांसिट डिमांड पर लाया गया तो उसको कानपुर के पंची इलाके में मुठभेड़ हुई। कल रात में ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि उसको कानपुर के खिडली गांव में जहां पर वो 2 दिन रुका था, वहां पर उस घर की शिनाख्त करवाई जाएगी जहां पर वो रुके थे 2 दिन। लेकिन शुरुआती जांच में ये आया था कि ये कानपुर देहात के शिवली और मसूदाबाद, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर उसने पनाह ली थी और रफूजाबाद और रैया से सटा हुआ है, जहां पे बस में बैठ करके विकास हुए और प्रभात मिश्रा दिल्ली पहुंचे थे, फरीदाबाद पहुंचे थे, यानी कि उधर की शिनाख्त की जानी थी। जो शुरुआती पूछताछ में जो रास्ते में जो पूछताछ की गई, जो जानकारी मिल पाई प्रभात मिश्रा से, वो बताया गया कि एक जंगल का एक अकेला घर था जहाँ पर वो दोनों रुके थे। जिस व्यक्ति के घर में रुके थे वो विकास दुबे का बेहद करीबी थी, प्रभात मिश्रा उसको नहीं जानता था, संभवतः जो यूपीएससीएफ और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं जानता था, उसके बाद इतना बताया था कि गांव के बाहर एक सुनसान घर में हम लोग रुके थे, 2 दिन तक वहीं रुके थे और उसके
संतोष आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। ये खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बड़ी है। कैसे मारा गया, कैसे ढेर कर दिया गया एक अपराधी को जो पुलिस की हिरासत में था, पुलिस की गिरफ्त में था, जो कि फोर्स के बीच में था और जिस पर पैनी निगाहें थी, वो कैसे भागने की कोशिश कर रहा था, किन परिस्थितियों में भागने की कोशिश की और ऐसा पुलिस को क्या लगा, ऐसे एसटीएफ को क्या लगा, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि उसको गोली ही मारनी पड़ी, उसको मार ही गिराया गया, उसको पैरों में गोली नहीं मारी गई। क्योंकि जब इस तरह की विशेष ट्रेनिंग होती है और हम एनकाउंटर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस करती है और ऐसे मौके पर ऐसे वक्त में अपराधियों के पैर में गोली मार जाती है, तो ऐसा क्या हुआ था कि पैर में गोली नहीं मारी गई, ऐसा क्या हुआ कि उसको ऐसी जगह गोली मारी गई कि उसकी मौत हो गई। अपराधी प्रभात मारा गया, इस प्रभात से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी क्योंकि प्रभात भी राइट और लेफ्ट हैंड की बात करें तो अमर दुबे और प्रभात, ये उसके राइट लेफ्ट हैंड आप कह सकते हैं, जो विकास दुबे की एक एक हरकत के बारे में जानते थे, विकास दुबे किन नेताओं से मिलता था, किन अधिकारियों से मिलता था, किस अधिकारी से सांठगांठ, किस पुलिसकर्मी से सांठगांठ, किस नेता से सांठगांठ, एक एक जानकारी प्रभात और अमर दुबे रखते थे। अमर दुबे कल हमीरपुर में मौदहा में मार गिराया गया, एनकाउंटर उसका हुआ, वो कल ट्यूबवेल में छुपा हुआ था, तो दूसरा उसका साथी प्रभात जिसको शिवली ले जाया जा रहा था, वहां पर जिस घर में वो रुके हुए थे, क्योंकि विकास दो दिन तक बताया जा रहा कि कानपुर में ही था, यानी कि पुलिस सब जगह ढूंढती रही लेकिन घर में ढूंढा नहीं। कुछ किलोमीटर दूर जिस जगह पर घटने पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया गया, उस जगह से कुछ दूरी पर ये छुपे हुए थे, लेकिन हैरानी होती है कि यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, ना विकास को ढूंढ पाई, ना उसके सहयोगी को ढूंढ पाई। जो पूरा सूचना तंत्र है, जो पूरा मुखबिर तंत्र है, वो पूरी तरह से कैसे कोलैप्स कर गया है, आप समझिए, आप अंदाजा लगाइए। अब सवाल ये भी उठेगा, सवाल ये उठता है कि दावा तो ये किया जाता है, और वक्त में आप अगर देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो होती है उसमें ये हमारा मुखबिर तंत्र, हमारा सूचना तंत्र, हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि कुछ हमसे बच नहीं सकता, लेकिन तहस नहस कर दिया उस खुफिया तंत्र को। बहुत बड़ी खबर ये हम आपको इस वक्त दे रहे हैं और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। दो साथी मार गिराए गए हैं गैंगस्टर विकास दुबे के, तो कुल मिलाकर दो साथी मार गिराए गए, यानी कि प्रभात मिश्रा और उसका एक और साथी मार गिराया गया, इस वक्त ये सूचना मिल रही है। प्रभात मिश्रा तो भागने की कोशिश कर रहा था, अभी ये शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं कि भागने की कोशिश कर रहा, तो दूसरा साथी बावन इटावा में मार गिराया गया, उसका दूसरा साथी इटावा पहुंच गया, बावन को ढेर कर दिया गया है इटावा में, तो चुन कर हर एक जिले में मार गिराया जा रहा है। लेकिन इस बीच में पुलिस पर उठ रहे सवाल कम नहीं होते हैं, पुलिस एक्शन में पुलिस को पहले दिन से होना चाहिए था, और पुलिस का काम एक्शन मोड ऐसा काम है कि उसको हर वक्त एक्शन में होना चाहिए, लेकिन अभी एक्शन में दिख रही है विकास दुबे के दो साथियों को मार गिराया गया एबीपी गंगा पर। यह बहुत बड़ी खबर है, आपको हम इस वक्त दे रहे हैं। कल फरीदाबाद में पकड़ा गया था, फरीदाबाद में पनाह देने वाले जिसमें अंकुर है, अंकुर के पिता थे और ये प्रभात मिश्रा था। प्रभात तो कानपुर से लगातार विकास दुबे के साथ में था, उसने खुद कल ये जानकारियां दी कि उस गोलीकांड में शामिल था, पुलिसकर्मियों की बंदूकें, उनके हथियार छीने थे इसने, उनको गोलियां, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद, और ये कल की तस्वीरें जब उसको हिरासत में लिया गया था, आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स है और इस तरह की स्थिति भी नहीं है कि वो भाग सके, लेकिन आज वो भाग भी निकला, और भागने के बाद ऐसी परिस्थितियां कैसे खड़ी हो सकती हैं जब उस पर गोली ही बरसानी पड़ी, ये सवाल उठेगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या परिस्थितियां थी, आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि गोली ही चलानी पड़ी, और गोली वो भी ऐसी जगह कि उसकी मौत हो गई, क्यों पैर पे गोली नहीं मारी गई, उसको जख्मी किया जा सकता था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं। फरीदाबाद से पकड़ा गया प्रभात अवस्थी, कानपुर में ले जाकर वो कानपुर में मारा गया, कानपुर में ढेर हो गया, अब उसको एसटीएफ ने मारा है, और ये अभी शुरुआती जानकारियां मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो भागने का प्रयास कर रहा था। हैदराबाद में जब एक युवती के साथ रेप होता है, वहां पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वहां पर चार आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गया था, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे कि पुलिस क्या इस तरह से कर सकती है, या पुलिस की क्या इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि अपराधी भागे और उनको सर में या
छाती पर गोली मार दे। बहरहाल इस बीच इटावा में आपको बता दें कि बावन को मार गिराया गया है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए वहां से। फारिक हमारे साथ जुड़े हैं। फारिक आप बताइए कब एनकाउंटर हुआ है और इस बावन के बारे में बताइए, इसका क्या कनेक्शन, कितना खास था ये विकास दुबे का, कब इटावा पहुंचा? जी आपको बता दें कि पुलिस कप्तान ने अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज सुबह डाला था कि सुबह 3 बजे हाईवे पे लूट की घटना को अंजाम दे रहे एक आतंकी के साथ एनकाउंटर में उसको मार दिया गया है। जब अस्पताल मौके पर पहुंचते हैं तो फिलहाल अभी यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं है। अनौपचारिक तौर पर पुलिस कर्मी उनका ये कहना है कि ये वही बउवन है जो विकास का खास साथी था, जिसने जो 8 पुलिस कर्मी जो शहीद हुए थे उसमें ये घटना भी शामिल था, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी इस बारे में बताने को तैयार नहीं। कहां पर था एग्जैक्टली लोकेशन आप बताएं कि कहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, कितने बजे एनकाउंटर है, क्या उसके पास से मिला है, कौन उसके साथ साथ था, क्या ये जानकारियां हैं? ये 4 बजे की घटना बताई जा रही है। हाईवे पर महेवा थाने के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ये मौजूद था। इसके साथ 3 साथी और बताए जा रहे हैं जो कि इसके साथ थे, जो कि फिलहाल घटना स्थल से भागने में कामयाब हुए हैं। एक बउवन को मुठभेड़ में मारा गया है। इसके पास से हथियारों की भी ऐसी सूचना हो रही है कि इसके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभी तक कोई भी अधिकारी अस्पताल जिला अस्पताल में मॉर्चरी पे मौजूद नहीं है। धीरे धीरे अधिकारियों का आना शुरू हो रहा है। जी और एनकाउंटर से जुड़ी और क्या क्या जानकारी है? जो 3 है क्या उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, और क्या वो 3 जो फरार हुए हैं क्या वो भी कानपुर कांड से जुड़े हुए हो सकते हैं? फारिक जी जी हाँ बिल्कुल, इसके साथी बताए जा रहे हैं। 3 इटावा पुलिस ने टीमें बना दी हैं और उनके आसपास के जिलों को सील करके उनकी सघन तलाशी की जा रही है वाहनों की, कि जो 3 फरार हुए हैं कि वो आखिर किस जिले में गए हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी औपचारिक तौर पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये है कंफर्म है कि ये बउवन ही बताया जा रहा है जो विकास का साथी था। ठीक है फारिक, नजर बनाए रखें आप, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और अपडेट्स के लिए। तो बउवन मार गिरा गया है लेकिन बउवन के 3 साथी फरार हो गए हैं, और इन 3 साथियों का जो फरार हुए हैं उन 3 साथियों का भी कानपुर कांड से लेना देना बताया जा रहा है, कानपुर कांड से जुड़े हुए बताया जा रहे हैं। बउवन मारा गया है जो बहुत बहुत खास बताया जा रहा है विकास दुबे का, वो इटावा में मार गिरा गया, स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार था, हथियार उसके पास से जब्त किए गए हैं। अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है पुलिस ने, औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है, शायद कुछ देर बाद इस बारे में जानकारी दी जाए। तो दो आप देखिए, दो तस्वीरें आप देखिए। पहला अमर दुबे जो कल मारा गया, अमर दुबे की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, कल जब वो मारा गया तो कुल 9 दिन हुए थे और आज 10वां दिन उसकी शादी को, और मार गिरा गया जो उसका गनर था, उसका साथ रहता था हर वक्त, उसके सारे काम देखता था, लेन देन के काम हो चाहे वो धमकाने के काम हो, रंगदारी से जुड़े हुए काम हो, अमर दुबे देखता था। दूसरा उसका साथी प्रभात, प्रभात आज एनकाउंटर में मारा गया, प्रभात ने भागने की कोशिश की वो मारा गया। और एक और साथी बउवन इटावा में मार गिराया गया, हालांकि बउवन के साथ 3 और साथी थे ये बताया जा रहा है। बउवन को मिलाकर कुल ये 4 लोग थे, बउवन को मार गिराया गया लेकिन बाकी 3 फरार हो गए। मोहित अग्रवाल आईजी रेंज कानपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले तो प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में ढेर हो गया, किन परिस्थितियों में ये एनकाउंटर हुआ है? सर क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत सारे सवाल जो आपके मन में इस वक्त जो इस एनकाउंटर से जुड़े हुए आप जानना चाहते होंगे कि किन परिस्थितियों में मार गिराया गया, किन परिस्थितियों में प्रभात को मारा गया है, वो सारी जानकारियां देंगे। हमारे साथ जुड़े थे अभी लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया है मोहित अग्रवाल आईजी रेंज, दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे सारे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभात मिश्रा जो कि इंफॉर्मेशन का इस वक्त खजाना था, ऐसे वक्त में जब विकास दुबे आपके हाथ में नहीं है, विकास दुबे आपकी गिरफ्त से बाहर है, आपको यह भी नहीं मालूम कि उसकी लोकेशन कहां पर है, क्या वो राजस्थान में, क्या मध्य प्रदेश में, या दिल्ली में है, या फरीदाबाद में है, कहां है आपको नहीं मालूम, आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, और आप उसका एक साथी महत्वपूर्ण साथी वो किस परिस्थितियों में भाग रहा था, वो किन परिस्थितियों में मारा गया, जब आपकी पूरी की पूरी फोर्स उसके साथ में थी, पूरी की पूरी फोर्स उस पर, हर एक पुलिसकर्मी की नजर थी और हर एक पुलिसकर्मी के पास हथियार, वो फिर भी कैसे भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसा क्या हुआ कि उसको मारना ही पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जबकि वो पूरी की पूरी कवर में रहा होगा, वो पुलिसकर्मियों के घेरे में, सुरक्षा घेरे में रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा तो सुरक्षा घेरा होता है उसके इर्द गिर्द, लेकिन उसके बाद भी
वो उसको एनकाउंटर में मार गिरा गया और पनकी में, कानपुर के पनकी में यह एनकाउंटर हुआ। और ये नंबर दो का उसका साथी, पहले नंबर का साथी पहली तस्वीर में, दूसरे नंबर का साथी दूसरी तस्वीर में, दोनों की शक्ल आप देख लीजिए। और युवा है ये, युवा जोश है हमारे देश का, युवा थे, इनको देश के उन्नति के लिए काम करना चाहिए था, क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन ये अपराध जगत में अपने आप की उन्नति चाहते थे, अपराध जगत में दहशत फैलाकर ये नंबर एक मुकाम हासिल करना चाहते थे। इनको अच्छा लगता था, इनको अच्छा लगता था जब लोगों में डर होता था इनके नाम का, जब खौफ होता था इनके नाम का, इसीलिए आज ये स्थिति है कि मारे गए। जो भी इस राह पर जाएगा, ये राह अच्छी नहीं है, ये समझना होगा सभी को, युवाओं को, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो ये नई उम्रों की आजादियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं के लिए कि उनको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल कॉलेजेस में आज हम ये स्थिति देखते हैं कि वहां दबंगे दिखाते हैं, तो ये राह अच्छी नहीं है, ये एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो जो इस राह पर बढ़ चलता है उसका अंतिम मुकाम यही होता है, समाज में रिस्पेक्ट नहीं होती है, समाज घुटकारता है और इसी तरह से काल के गाल में समाज आता है और थूतू होती है वो अलग। ये बहुत बड़ी खबर कानपुर से आज की एबीपी गंगा पर, बहुत बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। पहला प्रभात मिश्रा जो फरीदाबाद से पकड़ा गया, आज क्या हुआ है, मारा गया है पनकी में, कानपुर के पनकी में वो मार गिराया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। संतोष, पहले ही तो कानपुर के पनकी में मारा गया है प्रभात, उसके बारे में अगर कोई नया अपडेट आपके पास हो, जानकारियां हो, वो तो जरूर आप दर्शकों को दें। और बवन भी मार गिराया गया इटावा में, उसके बारे में आप बताइए कि बवन क्या उस सूची में था जो तस्वीरें साझा की गई थी पुलिस की तरफ से। देखिये, जो बवन था ये उस FIR में नामजद जरूर था, इसका नाम 17 नंबर पर था जो FIR दर्ज कराई गई थी विष्णु कांड में। और जो इस पूरे मामले में कहा जाए कि विकास दुबे समेत जो 19 लोगों के ऊपर FIR हुई थी, तो वो इस पूरे मामले में शामिल था। और वही जो सूची जारी की गई थी जो 15 जो गैंग मेंबर्स थे, उसमें बवन का नाम बताया जा रहा है, लेकिन बवन शुक्ला उस हत्याकांड में जरूर नामजद आरोपी था। बवन शुक्ला जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो विकास दुबे का करीबी था और उसने विष्णु कांड में उसने भी विकास दुबे के साथ कार्य की थी। यानी कि आज कानपुर में विष्णु कांड के या कानपुर में उसके आसपास के इलाके में दो बड़े जो नामजद आरोपी थे उनको मुठभेड़ किया गया है। कानपुर में प्रभात मिश्रा को पंची इलाके में इंकाउंटर हुआ है, वही इटावा भ्रष्टाचार में अपने नाम बवन शुक्ला को भेज दिया गया है। जी, और संतोष, क्या अभी इस वक्त इस कांड से पिनकी में जो हुआ है आज, वो किन परिस्थितियों में है, क्या सिचुएशन वहां पर ऐसी हो गई थी कि एक वो अपराधी जिसके हथियार भी, उसके पास हथियार नहीं थे, कि उसको गोली मारनी पड़ी और ऐसी जगह पर मारनी पड़ी कि उसकी मौत ही हो गई, पैर में नहीं गोली मारी गई, तो क्या सिचुएशन थी, क्या वो स्पष्ट हो पाई है अभी या कुछ देर बाद होगी अभी? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ अधिकारी नहीं कर रहा है, जो पुलिस की हमेशा ऐसे एनकाउंटर में कहानी होती है प्रभात मिश्रा ने भागने का प्रयास किया और अचानक से पुलिस पार्टी पर हमला किया और हथियारों और उसने जान लेने की कोशिश की और पुलिस ने जान बचाने में उसको फिर कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल प्रभात मिश्रा की कस्टडी का है कि क्योंकि उसकी कस्टडी SDF के पास थी, SDF के जो कमांडो और उसकी जो भी यूनिट उसको लेकर के जान बचान पर लेकर के आ रही थी और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई, इसकी आधिकारिक जानकारी अगर अधिकारियों को देनी होगी कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ होंगे जिससे कि जो व्यक्ति हथियार भी नहीं थे, क्योंकि जो फरीदाबाद में जो 7 पिस्टल बरामद हुई थी, जो 2 पिस्टल 9mm पिस्टल और 2 पिस्टल प्रभात मिश्रा और विकास दुबे की आवाज थी वो बरामद कर ली गई थी। यानी कि प्रभात मिश्रा के पास ये जरूर माना जा सकता है कोई हथियार नहीं था। अच्छा संतोष, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ। संतोष, कल इसको पकड़ा गया था, ये भी जानकारी है कि कल शायद इसने फायरिंग करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाया था। संतोष, कल की घटना के बाद हम देख रहे हैं कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके बाहर भी पुलिस फोर्स लगा दी गई, क्या इसने कुछ जानकारी दी है कि वो न्यूज चैनल्स में जा सकता है, वहां पर जानकारियां दे सकता है, इसने कुछ तरह के कि विकास कहां जा सकता है, कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और कोर्ट का विकल्प अगर खत्म हो तो न्यूज चैनल्स पर चला जाए क्योंकि लाइव कवरेज होती है? जान बचाना चाहता है उसको जब चलता है जब अमर दुबे
संतोष से शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन बहुत बड़ी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है, ये बड़ी खबरें हम लगातार आपको दे रहे हैं। रणवीर उर्फ बवन, रणवीर नाम से शायद ही इसको कोई जानता हो, इसका खौफ बवन के नाम से था और ये मारा गया। ये बवन ढेर कर दिया गया है, इटावा में मारा गया है। ये बिकरू कांड में शामिल था, ये बताया जा रहा है, शामिल था, 17वें नंबर पर था जो एफआईआर की सूची है उसमें, जबकि जो लिस्ट जारी की थी जिसमें तस्वीरें बकायदा साझा की गई थी, जो इनामी राशि थी वो साझा की गई थी, 50,000 का इस बवन पर इनाम था। आज ढेर हो गया, आज मारा गया, मारा गया ये बवन, मारा गया तो प्रभात भी मारा गया है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े बड़ी खबर यही है आज की, प्रभात मिश्रा मारा गया है। विकास दुबे कहाँ है? विकास दुबे के बारे में किसी तरह की कोई जानकारियां नहीं है। पुलिस जिस तरह से इनामी राशि बढ़ा रही है उससे भी यही प्रतीत होता है कि हड़बड़ी ही है और एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, या जो जिस तरह की आशंका है उन आशंकाओं के मद्देनजर कुछ कदम जरूर पुलिस उठा रही है कि चाहे वो चैनल्स के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती करना हो, एक एक व्यक्ति पर नजर रखना हो, या कुछ कि दूसरे राज्य में कि हो सकता है राजस्थान चला गया हो, राजस्थान में छापेमारी अलग अलग जगहों पर, वहां पर चेकिंग करना हो। लेकिन एक सवाल ये भी है, कानपुर से वो फरीदाबाद पहुंच जाता है, दो दिन कानपुर में रहता है, पुलिस का बड़ा फेलियर कि लॉकडाउन में हमने देखा, कोविड-19 के दरमियान हमने देखा, हर एक प्रदेश ने बॉर्डर सील कर दिए थे, एक व्यक्ति का दूसरे प्रदेश में जाना मुश्किल हो गया था, एंट्री नहीं होती थी, और एक अपराधी उसके लिए कोई सीमाएं नहीं, वो ऐसा लगता है कि पंछी हो, वो जिस प्रदेश में जाना चाहता है कोई रोकने टोकने वाला नहीं, बिना किसी की जद में आए, बिना किसी की नजर में आए वो आराम से घूम फिर रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, और ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन है, बॉर्डर सील किए गए कुछ राज्यों ने और बैरिकेटिंग है जगह जगह पर, और हर एक पुलिसकर्मी के पास तस्वीरें, न्यूज चैनल्स एबीपी गंगा लगातार तस्वीर दिखा रहा है, लोगों से भी अपील किए जा रहे हैं कि वो अगर देखते हैं इस संदिग्ध को तो बताएं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की नजर से बच गया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बीच में भी नाकों पर मदद करवाई गई हो, क्योंकि उसके पास इनपुट्स तो पहले ही पहुंच रहे थे कि यहां पर पुलिस दबिश दे सकती है, अब आप भाग जाओ। प्रभात पकड़ा गया था कल फरीदाबाद से और आज वो मारा गया है, ये बड़ी खबर प्रभात से जुड़ी हुई, क्योंकि कानपुर में वो मारा गया है। बताया जा रहा है कि वो अभी, चूंकि वो एसटीएफ की ट्रांजिट रिमांड पर था, वो कस्टडी में था, एसटीएफ की ट्रांजिट रिमांड पर था, और इस बीच में उसने बताया जा रहा है कि अभी शुरुआती जानकारी है कि उसने भागने की कोशिश की। एग्जैक्ट क्या हुआ था ये बताएगी एसटीएफ बताएगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। प्रभात का ऐसे वक्त में मारा जाना जब विकास दुबे फरार है, विकास दुबे अभी जरूर ये बताया जा रहा है कि अकेला है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस व्यक्ति के पास फोन ना हो, जिस व्यक्ति के पास आधुनिक उपकरण ना हो, और बहरहाल इस बीच पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बवन की तस्वीर है, इटावा से तस्वीरें भी आ गई, ये है बवन, स्ट्रेचर पर है और मार गिराया गया है, ढेर कर दिया है, तस्वीरें धुंधली करके हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका चेहरा आपके देखना जरूरी है भी नहीं। और ये व्यक्ति बिकरू कांड में शामिल था, 50,000 का इनामी बवन आज मार गिराया गया, गैंगस्टर विकास के दो साथी मार गिराए गए। खबर बहुत बड़ी, विकास का नंबर दो का साथी प्रभात वो मारा गया है, उसका मारा जाना अलग अपने आप में सवालों में है, वो एक अलग मैटर हो गया है। दूसरा, इटावा से आज एक बहुत बड़ी खबर आई, इटावा की खबर जिसमें ये जानकारी सुबह सुबह मिली है, अभी जो हमने सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको दी है कि 50,000 का इनामी मोहित अग्रवाल आईजी रेंज एक बार फिर से एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए। सर, दोनों घटनाओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आज सुबह के टाइम में दो मुठभेड़ हुई है, एक कानपुर नगर में हुई है, एक इटावा जनपद में हुई है। इटावा जनपद में एक अपराधी मारा गया है जिसका संबंध बिकरू घटना में, जिसमें पुलिस के 8 जवान शहीद हुए थे, उस घटना से बताया जा रहा है। और एक मुठभेड़ कानपुर नगर के पनकी क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा था, इसने पुलिस की जीप से भागने का प्रयास किया है। ये अपराधी अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये दो मुठभेड़े आज सर प्रभात मिश्रा की बात करें, क्या वो घायल है या मारा गया है?
अभी मौके से इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, अभी डॉक्टर्स की जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर किन परिस्थितियों में उसने भागने की कोशिश की, क्योंकि वो ट्रांजिट पूरी डिटेल अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इसकी पूरी डिटेल्स जो है आप लोगों को बताई जाएगी, किस तरह घटनाक्रम रहा है इसके बारे में बताया जाएगा। सर आप एग्जैक्टली कितने बजे हुआ ये बता सकते हैं? मोहित अग्रवाल आईजी रेंज एबीपी गंगा के साथ जुड़े, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। हालांकि वो प्रभात मिश्रा के मारे जाने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, प्रभात मिश्रा के मारे जाने की पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल में है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रभात मिश्रा मारा गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रभात मिश्रा मारा गया है।